वेलकम बैक टू एस एस सी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एस एस सी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लेटर देखेंगे, और ये जो लेटर होगा इसका जो फॉर्मेट होगा लगभग सभी जगह एप्लीकेबल होगा। एक फॉर्मेट से मैं कितने सारे आपके लेटर जो हैं वो सोल्व करवा दूंगा, और एग्ज़ाम में आपके कम से कम 35 to 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 आराम से आ जाएंगे। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। बहुत ही बेस्ट ये टॉपिक है, और जितने लेटेस्ट टॉपिक हैं सारे के सारे मैं अपडेट करता रहता हूँ। लगभग 400 लेटर्स फॉर्मेट और ऐसे इसके अंदर हैं, और बहुत ही मिनिमम इसका प्राइस है। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये, और प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आपके सारे टॉपिक जो हैं ऑलरेडी डिस्कस करवाए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। जैसे पहले एक लेटर देख लीजिए, यहाँ पे ये एक XYZ एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली, ये तो आप सभी में लिख देना। बजाय कि एक शहर का पर्टिकुलर नाम लिखने के बजाय आप XYZ एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद देखिए द एडिटर, डेट लिख दिया आपने 1 दिसंबर 2016, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए अभी आपका MTS का एग्ज़ाम होगा। MTS के एग्ज़ाम में आपको या तो एक लेटर लिखना पड़ेगा या फिर एक आप ऐसे लिख दो। तो भाई ये इसमें तो सोचने का भी नहीं है, आप लिख कुछ मर्जी सकते हो, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको लेटर लिखना चाहिए। टोटल आपको जनरल कैटेगरी वालों को सिर्फ 20 मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, और लगभग आपके पास टोटल 5 लेटर्स में चॉइस होंगी और 5 ही आपको ऐसे में मिलेंगी। पर ऐसे के बजाय, क्योंकि ऐसे में एक स्टार्टअप देना बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो स्टार्ट आप नहीं दे पाए उसमें डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्कीम के ऊपर आ गया तो थोड़ा सा आपको स्टैट भी बताना पड़ेगा। लेटर्स में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता, आपको स्टैट्स इतना ज़्यादा ना भी हो तो चल जाएगा। जैसे यहाँ पे कंप्लेनिंग के लेटर्स हैं, लेटर्स सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। और सब इसमें आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, बिजनेस लेटर्स ये सब तरह के। तो यहाँ पे देखिए अगर आप सिर्फ इतना भी लिखते हो ना जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग, तो लगभग आपको 15 मार्क्स आराम से दे देगा ये। फॉर्मेट में जैसे यहाँ पे आपको लिखना है सेंडर एड्रेस, ठीक है। सेंडर एड्रेस देखिए, इससे ना इस पैराग्राफ को मैं ऐड करके, ये लाइंस को मैं ऐड करके आपके सारे कंप्लेन वाले लेटर इसमें डाल दूंगा। सेंडर एड्रेस हो गया XYZ एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली, और पिन कोड डालना चाहो तो डाल सकते हो। फिर डेट आ गई, फिर उसके बाद दी एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आपने एड्रेस लिख दिया 12 कस्तूरबा गांधी मार्ग न्यू दिल्ली। उसके बाद आपको सब्जेक्ट ज़रूर लिखना है, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सब्जेक्ट क्या है, क्योटिक स्टेट ऑफ या फिर कंडीशन ऑफ ट्रैफिक ऑन दिल्ली रोड्स, क्योटिक कंडीशंस हैं ट्रैफिक की दिल्ली रोड्स पर। उसके बाद सर लिखना है, बिकॉज आप इसको पर्सनली जानते नहीं हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ सर लिखोगे। आगे देखिए, थ्रू दिस प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, थ्रू ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर या एस्टीम्ड डेली, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द क्योटिक कंडीशन ऑफ ट्रैफिक ऑन द सिटी रोड डेट हैज़ वर्सन इन द रिसेंट पास्ट, हैंस इट इज़ एन ऑब्वियस काज ऑफ कंसर्न। देखिए कितनी सारी लाइन्स तो आपकी यहाँ पे कवर होगी। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल इनसैनिटरी कंडीशन पे कोई लेटर आ गया तो आप कैसे लिखोगे, थ्रू दिस प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर स्टीम डेली न्यूज़पेपर या फिर स्टीम न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स द इनसैनिटरी कंडीशंस इन आवर लोकेलिटी डेट हैज़ वर्सन इन द पास्ट रिसेंट पास्ट एंड हैंस इट इज़ एन ऑब्वियस कॉज ऑफ कंसर्न। बिल्कुल फिट होगी इसमें लाइन। कोई भी प्रॉब्लम हो, वाटर सप्लाई की हो, कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स द इरेटिक वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी डेट हैज़ वर्सन इन द रिसेंट पास्ट एंड हैंस इट इज़ एन ऑब्वियस कॉज ऑफ कंसर्न। सो बिल्कुल फिट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से आपको लाइन लिखनी है, और इतनी ज़्यादा इफेक्टिव लाइन्स हैं, इतनी अच्छा इतनी इफेक्टिव और बेस्ट लाइन्स हैं, एग्जामिनर क्यों नहीं इम्प्रेस होगा इस पे। उसके बाद लास्ट की भी कुछ लाइंस मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अगला जो फॉर्मेट होगा, थोड़ा सा आपने अपनी तरफ से 3 या 4 लाइन तो एटलीस्ट लिख सकते हो। अगर आप इनसैनिटरी कंडीशंस के लिख रहे हो तो 3 से 4 लाइन आप खुद भी लिख सकते हो। देर वर द हीप्स ऑफ यू नो गार्बेज एवरीवेयर, हीप्स ऑफ गार्बेज कैन बी सीन एवरीवेयर, तो इस तरह से कुछ लिखते हो। ड्रेनेज सिस्टम इज़ वेरी पुअर, द कंडीशन बिकम वर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, देर वर मैनी पिट होल्स एंड वाटर कलेक्ट इन दिस पिट होल्स एंड बिकम्स अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, ये सब मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी बहुत ही लाइन लिख के। उसके बाद पहले लास्ट का देख लीजिए, लास्ट का ये वाली लाइन आप ज़रूर लिखिएगा। देखिए, बिफोर
द सिचुएशन गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल, ये कितनी अच्छी लाइन है, बिफोर द सिचुएशन गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल लेट्स वेक अप टू द नीड ऑफ मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम, या फिर प्रॉब्लम ऑफ इरेटिक वाटर सप्लाई इन आवर एरिया एंड गेट डाउन टू डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू सोल्व द प्रॉब्लम। सो ये कितनी इफेक्टिव लाइन है, बिफोर द सिचुएशन गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल लेट्स वेक अप टू द नीड ऑफ मिनिमाइजिंग जाम्स ऑन द रोड, कुछ भी लिख सकते हो, वेक अप टू द नीड ऑफ यू नो मिनिमाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ इरेटिक पावर सप्लाई, या फिर मिनिमाइजिंग द इंसेनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर इन आवर लोकेलिटी एंड गेट डाउन टू डूइंग समथिंग, गेट डाउन टू डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू सोल्व द प्रॉब्लम, योर्स ट्रूली एक्स वाई जेड। और इतना फॉर्मेट भी लिख दोगे आराम से, 25 मार्क्स, 25 से 30 मार्क्स आराम से आ गए, बीच में 3 से 4 लाइनें लिखनी है, 150 वर्ड्स का आराम से हो गया। फिलहाल तो मैं आपको क्योटिक कंडीशन ऑफ ट्रैफिक ऑन डेली रोड्स के बारे में बताता हूँ, डेली रोड्स के बारे में। आगे देखिए, दिस हैज़ रिजल्टेड इन टोटल कन्फ्यूजन एंड एनार्की ऑन रोड्स, ये आप मिस कर सकते हो अगर ना चाहो तो, रहने दो ये लाइन, मैसिव ट्रैफिक जाम एंड इंसीडेंट ऑफ मैसिव ट्रैफिक जाम्स एंड इंसीडेंट ऑफ रोड रेज हैव बिकम रूटीन अफेयर्स, कम्यूटर्स गेट हैजल ड्यू टू हैवी ट्रैफिक जाम सिंस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू रीच देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन, मोस्ट ऑफ देम गेट लेट फॉर देयर वर्क एंड अदर मिस देयर ट्रेन्स और फ्लाइट्स एंड सम सिक एंड एलिंग वंस फेल टू रीच हॉस्पिटल इन टाइम, चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल हैव देयर वूफुल ट्रेल्स टेल्स टू नरेट। देखिए कितनी बेस्ट लाइन है, चिल्ड्रंस गोइंग टू स्कूल हैव देयर वूफुल टेल्स टू नरेट, तो किसी के बारे में भी लिख सकते हो, अगर कोई अपनी व्यथा सुनाए जो बहुत ज़्यादा दुखी है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे पेरेंट्स, पेरेंट्स गोइंग टू कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, डिपार्टमेंट, या फिर एम्प्लॉयज़ गोइंग टू डिपार्टमेंट हैव देयर वूफुल टेल्स टू नरेट, अगर कोई डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है तो, मतलब इस तरह से रिलेट कर सकते हो आप। फॉर ऑफ कोर्स दीज केओटिक कंडीशंस आर ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स, सम स्ट्रिंजेंट, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंजेंट कितना अच्छा वर्ड है, आप स्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो, स्ट्रिक्ट, सो सम स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैव टू बी अडोप्टेड बाई द ट्रैफिक पुलिस एंड सिविक अथॉरिटीज टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑन द रोड, किसके द्वारा अडोप्ट किए जाने चाहिए, ट्रैफिक पुलिस या फिर सिविक अथॉरिटीज टू इम्प्रूव द सिचुएशन on the roads, constructing more flyovers is only one of the possible step that can be taken to lessen या फिर to mitigate कर सकते हो आप, कितना अच्छा वर्ड है mitigate, lessen की जगह mitigate, ठीक है, the pressure of the traffic on the road, efficient policing at the crossroad especially at the peak hour has to be observed as well, more of us should use public transport, ये लाइन आप मिस कर सकते हो अगर नहीं लिखनी आपको, ये तो बस बताने के लिए है, मोर ऑफ अस शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट देन इंडिविजुअल व्हीकल्स, जितना हो सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, या फिर प्राइवेट व्हीकल अगर हो सके तो शेयर कीजिए, ठीक है, इससे फ्यूल भी बचेगा और पोल्यूशन भी कम होगा, ठीक है, अगर लोग जो है वो एक दूसरे से अपना जो प्राइवेट व्हीकल है शेयर करें, ठीक है, कोश भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर आप डिमांड कर सकते हो, बहुत से बड़े बड़े शहरों में मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में इस तरह की चीज़ें चलती हैं, ठीक है, ओला कैब वगैरह तो चल ही रही है, लेकिन लोग पर्सनल व्हीकल भी जो है अपना शेयर करते हैं, आजकल एप्लीकेशन है, कितनी सारी मोबाइल एप्लीकेशंस बनी हुई हैं इस रिगार्डिंग, तो फिर वो लोग एप्लीकेशंस डाउनलोड करके, ठीक है, इस तरह का जो है वो यूज़ करते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स शेयर वगैरह करते हैं। कार पूल शुड बी इनक्रेज एंड अननेसेसरी ट्रैवलिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द पीक आवर्स। उसके बाद देखिए, कम्यूटर्स एज अ सिविक कम्युनिटी एंड द पुलिस नीड टू कम टुगेदर टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम्स। देखिए जो कम्यूटर्स हैं एज अ सिविक कम्युनिटी, सिविक कम्युनिटी के रूप में कम्यूटर्स कौन होते हैं, जो आते जाते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो व्हीकल्स पे आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए ये बोला गया है, कम्यूटर्स एज अ सिविक कम्युनिटी एंड द पुलिस नीड टू कम टुगेदर टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम्स एंड ओवर क्राउडिंग ऑन द रोड्स। मतलब पुलिस को भी सामने आना पड़ेगा और हम लोगों को भी जो है वो एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, ठीक है, जो आम कम्यूटर्स हैं और जो पुलिस है नीड टू कम टुगेदर टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम्स एंड ओवर क्राउडिंग ऑन द रोड, बिफोर दिस सिचुएशन गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल लेट्स वेक अप टू द नीड ऑफ मिनिमाइजिंग जैम ऑन द रोड एंड गेट डाउन टू डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू सोल्व द प्रॉब्लम, योर्स ट्रूली एक्स वाई जेड। अब हम कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं, जिसमें कुछ और लेटर्स देख लेते हैं, यही कंप्लेन वाले, और बिल्कुल यही फॉर्मेट उसमें फिट करते हैं।
तो सबसे पहले देखिए, राइट अ लेटर टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इनसैनिटरी कंडीशंस के बारे में, तो यहाँ पे वही कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड न्यू दिल्ली, फिर यहाँ पे डेट आ गई, फिर उसके बाद लिख किसको रहे हो आप, द CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर सिविल हस्पताल न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन, डियर सर, लास्ट में योर्स फेथफुली, और एक्स वाई जेड लिख सकते हो। तो यहाँ पे इतना करने से होगा क्या, आपको कम से कम 15 मार्क्स आराम से दे देगा एग्जामिनर। अब यहाँ पे देखिए बीच वाला कंडीशंस, वही लिखते लिख देते हो आप जो अपना पुराना था, थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर ऑफ द थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, या वही जो पुराने वाला था, अबाउट द इंसेंट्री ऑफ आवर इंसेंट्री कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, मैं दिखा देता हूँ। थ्रू दिस प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर न्यूज एस्टीम न्यूज़ पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न एंड अथॉरिटीज टूवर्ड्स द इनसेनेटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी डेट हैज़ वर्सन इन द रिसेंट पास्ट एंड हैंस इट इज़ एन ऑब्वियस काज ऑफ कंसर्न। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देना, आपको इतना तो लिख दिया, टूवर्ड्स द इनसेनेटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार छोटा मोटा तो कॉन्ट्रीब्यूशन आप कर ही सकते हैं, सिर्फ शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करवाने में, प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं आप। इट इज़ द डर्टीस्ट पार्ट ऑफ द टाउन, ये बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हो ना कि ये आप ये इतनी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव 350 की 400 की बुक ला करके डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करोगे, भाई व्यर्थ है वो सारा कुछ। ये ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर की हुई इतनी बेस्ट बुक्स, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और कैसे करना है वो मैं आपको सारा कुछ बता ही रहा हूँ। इट इज़ द डर्टीस्ट पार्ट ऑफ द टाउन, देयर द पूल्स ऑफ वाटर हेयर एंड देयर द ड्रेन्स आर ओवरफ्लोइंग, वही चीज़ें लिखनी है। इट इज़ द डर्टीस्ट पार्ट ऑफ द टाउन, टाउन का सबसे डर्टीस्ट पार्ट है हमारी लोकेलिटी में। देयर द पूल्स ऑफ वाटर हेयर एंड देयर द ड्रेन्स आर ओवरफ्लोइंग, द लोकेलिटी इज फिल्ड विद हीप्स ऑफ रबिश, फिल्थी गटर्स आर एन अगली साइड, द रोड्स आर नॉट लाइटेड एट नाइट, दे आर अंडर रिपेयर्स फॉर वीक्स टुगेदर। देख कितनी अच्छी लाइन्स हैं, दिस लोकेलिटी हैज़ बिकम अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज मॉस्किटोज, ड्यूरिंग रेन्स द कंडीशन ऑफ लोकेलिटी बिकम वर्स, डर्टी वाटर ओवरफ्लोज द ड्रेन्स एंड फ्लड्स द स्ट्रीट, द स्वीपर डू नॉट रिमूव गार्बेज डेली, द ड्रेनेज सिस्टम इज मोस्ट इफेक्टिव, द इंसैनिटी इंस्पेक्टर डज नॉट विजिट द लोकेलिटी रेगुलरली इफ दिस स्टेट, ये लाइन देख कितनी अच्छी है, दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स इज अलाउड, अगर इस तरह की कंडीशन को लगातार अलाउ करने दिया जाता है टू कंटिन्यू यहाँ तक, तो द डिसीजेज लाइक कोलरा मलेरिया एंड टाइफॉइड इज लाइकली टू ब्रेक आउट। ब्रेकआउट होता है कोई भी बीमारी महामारी फैल जाना, एपिडेमिक जस्ट लाइक, उसके लिए यूज़ करते हैं ब्रेकआउट। देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट आवर लोकेलिटी एंड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन। अब लास्ट में वही फिट करिएगा, उसके बाद तो ये रहेगा, द रेजिडेंस ऑफ दिस लोकेलिटी विल बी थैंकफुल टू यू, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये तो आपको यहाँ पे CMO सिविल हस्पताल में, लेकिन अगर आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश करना हो तो आप वहाँ पे फिट करोगे, लेकिन यहाँ पे सीधा ही लिखोगे आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। अगर आप न्यूज़पेपर में लिख रहे हो तो फिर वो सेम फॉर्मेट रहेगा जो मैंने आपको बताया था, आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। ठीक है, एक और देख लीजिए, ये रेटिक इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर सिटी, यहाँ पे वही सेम फॉर्मेट आ गया, सेंडर एड्रेस स्टेट, उसके बाद द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली सर, अब यहाँ पे सेम वही फॉर्मेट आ गया, आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ अथॉरिटी टू द इलेक्ट्रिक पावर, वही थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द टूवर्ड्स द, और दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, आई विश टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द इरेटिक इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी डेट हैज़ वर्सेंट इन द रिसेंट पास्ट एंड हैंस इट इज़ एन ऑब्वियस काउज ऑफ कंसर्न। ठीक है, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, दिस हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रक्यूज, या फिर दिस हैज़ क्रिएटेड अ लॉट टोटल कन्फ्यूजन इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, आगे देखिए, दे आर द फ्रिक्वेंट, ये उनके लिए है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई का बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो तीनों ही मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। देखिए, दे आर द फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन इन द पावर सप्लाई, हमारी पावर सप्लाई में लगातार क्या है, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। समटाइम्स देर इज़ नो पावर सप्लाई फॉर द होल डे, एज अ रिजल्ट द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन समर मंथ्स।
इवन व्हेन देर इज़ अ पावर सप्लाई देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा कट लगते हैं और डिमडमाती है लाइट, बिकॉज ऑफ दिस मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस आर स्पॉयल्ड, और इसकी वजह से बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस ख़राब हो जाते हैं। बहुत इंप्रेसिव लाइन्स हैं, बहुत ज़्यादा। आगे देखिए, द अथॉरिटी शुड लुक इन टू द मैटर, वही जो बताई थी, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। मैं अगेन, आप ये लाइन लिख सकते हो, बिफोर द सिचुएशन गोज़ आउट ऑफ द कंट्रोल लेट्स वेक अप टू द नीड ऑफ इम्प्रूविंग इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इन आवर एरिया एंड गेट डाउन टू डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो आप ये भी लिख सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक, यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर नीड। बहुत ही मिनिमम सा इसका मैंने चार्ज रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी मेहनत है मेरी जो आप अदा करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।